लुक्खी बचकावन नहर पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य आज शुरू कर दिया गया है। पुल बनाए जाने की खुशी में ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शाहबाद विधायक रामकरण काला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण में बिल्कुल भी कोताही न बरती जाए। शाहबाद विधायक रामकरण काला ने कहा कि इस पुल के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तंग पुल के कारण कई बार दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता था। ग्रामीणों ने युवा जसपा नेता डॉक्टर जसविंदर खैरा के माध्यम से मांग की थी कि पुल का निर्माण जल्द करवाया जाए। ऐसे में उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने इस मांग को रखा। उप मुख्यमंत्री ने पहली कलम से ही इस पुल के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट पास करवा दिया। जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष व शुगर किन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी लंबित मांग अब पूरी हो जाएगी। जसविंदर खैरा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ये ओवरब्रिज 25 फुट चौड़ाई का बनेगा, जो कि स्टील का होगा। इस पुल के बन जाने से अनेकों गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। ये सड़क कुरुक्षेत्र से वाया बचगावा लुखी मांडी मलिकपुर से होते हुए पिहोवा को जाती है। पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 4 माह के अंदर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पुल बनाने वाली एजेंसी का कहना है कि वह 4 माह के अंदर पुल का निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दर्जनों गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस मौके पर जसपा शाहबाद हल्का अध्यक्ष जगमीत मोड़ी, राहुल बचगावा स्थित मडाड, मेजर सिंह एसडीओ नीरज भारद्वाज, बल्ली राणा अनिल, पूर्व सरपंच वेद प्रकाश व अन्य कई ग्रामीण व जसपा पदाधिकारी मौजूद थे। आज यहाँ हमारे जो पुल बहुत तंग थे, तो हमने इसके आज जो अपने साथी गांव वाले सरपंच फोर मेंबर जो भी यहाँ पहुंचे, हमारे ये भी हमारे जो अगर जाने वाले गांव थे, जिस तुके वहां जावा कहीं भी जावा, बड़ा इसके मैं आज से बैठा था परंपरा से करते हैं, उसी परंपरा से आज तो हमने जो भी गांववासी करेंगे कि इस सड़क से मोड़ खत्म किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मोड़ी खत्म कराएंगे, जब मोड़ खत्म कराएंगे बढ़िया बनाओगे, इसको बढ़िया बनाओगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और भी इसका जो बीच में जो आया सारा इसी का पुल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो बचगावा का पुल था, हमने हमारी लंबे समय से डिमांड थी कि इसको खुला किया जाए। इसकी चौड़ाई लगभग 12 फुट थी और हम सभी इलाका निवासियों ने विधायक जी के मार्फत अपनी जो मांग थी वो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और आज उस मांग को मान लिया गया। लगभग 7 करोड़ रुपए से इस पुल का निर्माण होने जा रहा है और बहुत अच्छा पुल बनकर ये हमारे इलाका निवासियों को इसकी जो सौगात मिली है, इसके लिए हम डिप्टी सीएम माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और विशेष रूप से अपने इलाके के विधायक माननीय श्री रामकरण काला जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी मांग को वहां पर पहुंचाया और हमारी मांग जो स्वीकृत हुई और आज पुल बनकर वो एक अच्छी जो एक मांग हमारे एरिया की होने हो पूरी होने जा रही है। और जो थोड़ी बहुत ही दिक्कतदारियां आ रही हैं कि इस मोड़ को खुला किया जाए, उसके लिए भी एक्शन साहब को हमारे विधायक जी ने बोल दिया है और उसको भी अच्छे तरीके से, अगर गांव वासियों की या इलाका निवासियों की तसल्ली नहीं होती तो इसकी तसल्ली करना हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, उसको इस पुल को अच्छे तरीके से बनाकर इन इलाका निवासियों की दिक्कतदारी को दूर किया जाएगा। हमें पता है कि यहां पर जो मोड़ है उसकी वजह से काफी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें कोई परेशानी ना आए, किसी की भी जो जान की कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है, किसी को कोई दिक्कतदारी ना आए, इन लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस मोड़ को अच्छे तरीके से खुला किया जाएगा और अच्छे तरीके से इसकी रेलिंग करके इस पुल का निर्माण किया जाएगा। एक जो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा पुल, 7 करोड़ का बजट, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बजट जो इस पुल निर्माण के लिए दिया गया है। मैं इसके लिए पुनः अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं, विधायक जी का धन्यवाद करता हूं और इसके लिए समूह इलाका निवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि जो हमारी लंबी मांग थी वो स्वीकृत हुई है और इस पुल का निर्माण